सो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीस, यानी 15,000 के अंदर वो कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है जिन्हें आज के टाइम पे आपको बाई करना चाहिए। और गाइस अभी बता दूं, सितंबर या फिर अक्टूबर तक आप इन सभी स्मार्टफोन को बाई कर सकते हो। सो गाइस, इस लिस्ट के अंदर मैंने तीन ही स्मार्टफोन लेकर आया हूं, क्योंकि गाइस यहां पर मैं चाहता तो 5 से 6 स्मार्टफोन को ऐड कर सकता था। बट गाइस अभी आपको रियलिटी बता दूं कि स्मार्टफोन कंपनी वाले एक फोन को लॉन्च करके उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर देते हैं, मतलब बहुत माइन्यूट सा चेंज और आपको समझ में नहीं आता है। सो ऐसे में आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे कि Xiaomi करता है पोको के साथ में और realme करता है यहां पर बहुत सारे सीरीज को लॉन्च करके। सो मैंने इसमें बेस्ट स्मार्टफोन ही चूज करके लाया हूं, जो कि 15,000 के अंदर आपको आज के टाइम पे बाय करने चाहिए। और यकीन मानो, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो अभी के टाइम पे 15,000 के अंदर आप एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय कर पाओगे, चाहे वो गेमिंग को लेकर हो या फिर कैमरा को लेकर हो या फिर बढ़िया डिस्प्ले या फिर ओवरऑल एक नॉन चाइनीज फोन चाहिए। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन चाइनीज फोन को लेकर ही, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस अभी के टाइम पे अगर बात करें नॉन चाइनीज स्मार्टफोन को लेकर और 15,000 के अंदर बेस्ट, तो मैं कहूंगा सैमसंग गैलेक्सी M21 के ऊपर आपको जाना चाहिए, जहां पर आप 13,999 यानी 14,000 के अंदर 4GB रैम 64GB वेरिएंट को बाई कर पाओगे। जहां पर गाइस इस फोन के अंदर आपको कमाल की डिस्प्ले मिलती है, मतलब 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है इन्फिनिटी यू कटआउट के साथ में। बाकी गाइस इस डिस्प्ले के अंदर फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है और इस डिस्प्ले के साथ आपको L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, दैट मींस कि अमेज़न प्राइम नेटफ्लिक्स पर आप बहुत ही एचडी स्ट्रीम आराम से कर पाओगे। बाकी यहां पर डिस्प्ले वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, ब्राइट डिस्प्ले मिलेगी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपका व्यूइंग एंगल या फिर ओवरऑल जब भी आप कोई वीडियोस देखोगे तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी इस फोन के साथ एक दूसरा हाइलाइटिंग पॉइंट, इस फोन के साथ आपको मिलता है 6000 यानी 6000 एमएच की एक लंबी बैटरी, और भाई उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स के अंदर 15 वाट का एक चार्जर देखने को मिल जाता है। बाकी इस फोन का बैक साइड आपको ग्लास तो नहीं मिलता है, पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक मिलता है, बट ओवरऑल गाइस अगर आप कवर वगैरह लगा के रखते हो तो फोन बहुत ही अच्छे से आपका चल जाने वाला है। बाकी गाइस फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलता है, जहां पर प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस। और गाइस ओवरऑल अगर बात करें इमेज और वीडियो क्वालिटी को लेकर, सो यहां पर मैंने पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी M21 को यूज किया, इसके कैमरा को टेस्ट किया है, सो यहां पर आपको डिसेंट लेवल यानी अच्छी ओके टाइप की इमेजेस और वीडियोस निकाल कर दे देता है, मतलब आपको निराशा नहीं होने वाली है बैक कैमरे या फिर फ्रंट कैमरे से। बाकी फ्रंट में आपको 20 यानी 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। बाकी इस फोन से आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक कैमरे से, और अगर बात करें फ्रंट कैमरे को लेकर तो यहां पर आप 90-20-1080p तक की रिकॉर्डिंग बहुत ही आराम से स्मूथली कर पाओगे। बाकी इस फोन की एक डाउन साइड है, अगर आप एक गेमर हो तो शायद इस फोन को आपको नहीं बाय करना चाहिए, अगर आप डे टू डे यूजेस में यूज करते हो या फिर अगर आप थोड़े बहुत गेम खेलते हो पबजी लाइट वगैरह, लेकिन अगर आप पबजी मोबाइल वगैरह भी खेलते हो तो वहां पर आपको बहुत हाईएस्ट सेटिंग पे नहीं खेलना होगा, क्योंकि ऐसे में फोन में आपको थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स और लैग देखने को मिलेंगे Exynos 9611 के साथ में, जो कि एक सैमसंग का थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर हो जाता है। बाकी इस फोन के साथ आपको मिलता है UFS 2.1 स्टोरेज टाइप, बाकी LPDDR4X रैम है, तो आपको रीड एंड राइट स्पीड और डे टू डे यूजर्स के लिए फोन बहुत ही कमाल का हो जाता है। बाकी गाइस यहां पर आप इसके मेमोरी को 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड को लगा करके। सो गाइस फाइनली मुझे लगता है कि 15,000 के नीचे आपको एक नॉन चाइनीज फोन के रूप में ये एक बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है सैमसंग गैलेक्सी M21। बाकी गाइस बढ़ते हैं अपने अगले स्मार्टफोन्स की तरफ। सो गाइस यहां पर मेरे दो और स्मार्टफोन बचे हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर यानी 15,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन हो जाते हैं, और गाइस इन दोनों ही के नाम एक साथ लेना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही फोन्स के बीच बहुत कड़ा टक्कर होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए, अपने काम के हिसाब से इन दोनों ही फोन्स में से आपको कौन सा फोन चूज करना चाहिए। सो सबसे पहले तो आता है realme का 6 और दूसरे नंबर पर आता है redmi का नोट 9 प्रो। लेकिन गाइस इन दोनों ही फोन्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन भरी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देने वाला हूं। सो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें realme 6 को, सो यहां पर आपको 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आपको 14,999 यानी 15,000 के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस यहां पर आपको एक 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन वाली आईपीएस एलसीडी पैनल वाली स्क्रीन मिलती है, बट गाइस यहां पर आपको एक मिलती है 90Hz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले, जो कि आपकी डिस्प्ले एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना देगी। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर पंचोल कटआउट मिलता है और लुक वाइज ये डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है, ब्राइट है डिस्प्ले में, आपको ब्राइटनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इस फोन की परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है मीडियाटेक का हीलियो G90T, जो कि 12nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड एक प्रोसेसर है, और भाई गेमिंग के लिए बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, आप हाईएस्ट सेटिंग पे पबजी वगैरह बहुत ही इजीली स्मूथली प्ले कर पाओगे। बाकी गाइस इस फोन के साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और अगर बात करें इस फोन के कैमरा को लेकर तो मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद आया। इस बैक साइड में क्वाड कैमरा सेंसर मिलते हैं, 64MP का प्राइमरी लेंस है, और जो इमेज और वीडियोस की क्वालिटी मिलती है बहुत ही अमेजिंग मिलती है। बाकी गाइस अगर इस फोन के बिल्ड क्वालिटी
क्वालिटी और बैक साइड लुक की बात करें, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये प्लास्टिक बैक है या फिर ग्लास बैक है। सो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक प्लास्टिक बैक है बट इसके ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से इसके भी कुछ मेरिट है और कुछ डिमेरिट पॉइंट है कि यहां पर ये लुक वाइज उतना ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं होता है, मतलब ग्लास जैसा अट्रैक्टिव नहीं होता है, बट अगर ये गिरता है तो इजिली टूटता नहीं है। और वहीं पर जो टोटली ग्लास होता है अगर वो गिरता है तो उसके टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, सो इन चीजों को आपको समझना होगा। बाकी लुक वाइज बैक साइड से बहुत ही कमाल का ये फोन आपको देखने को मिलता है। अगर आप हाथ में इस फोन को होल्ड करते हो तो आपको कोई भी प्लास्टिक वाली फीलिंग नहीं आएगी, जैसा कि आपको सैमसंग के M21 के अंदर आने वाली है। लेकिन अगर बात करें इस फोन के बैटरी को लेकर, तो इस फोन के साथ आपको 4300 एमएच यानी 4300 एमएच की बैटरी और 30 वाट यानी 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस वहीं अगर हम बात करें अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि Redmi का Note 9 Pro, और 15000 के बजट के नीचे ये भी एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है। सो गाइस यहां पर क्या कुछ देखने को मिलता है और फाइनली आपको दोनों में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए, Realme 6 या फिर Redmi का Note 9 Pro, आगे बताने वाला हूं। सो गाइस उससे पहले आपको बता दूं, Redmi Note 9 Pro को आप बाय कर पाओगे 14000 के करीब, जी हां दोस्तों 13999, मतलब 1000 कम पड़ जाएगा आपको इसका बेस वेरिएंट Realme 6 से। लेकिन गाइस अगर Redmi Note 9 Pro के स्पेक्स को देखें तो यहां पर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS LCD पैनल वाली स्क्रीन, जो कि गाइस ध्यान रखना यहां पर आपको नॉर्मल 1600 रिफ्रेश रेट की सपोर्ट मिलती है, और वहीं पर Realme 6 के अंदर आपको मिलता है 1900 रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। तो डिस्प्ले वाइज अगर देखें तो कहीं ना कहीं Realme 6 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ होगा Redmi Note 9 Pro के डिस्प्ले से, मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह करने वाले तो आपको काफी कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। सो डिस्प्ले वाइज कहीं ना कहीं एक पॉइंट आगे निकल जाता है Realme का 6। बाकी दोनों फोन के अंदर सिंगल पंच होल कटआउट मिलता है जो कि लुक वाइज सेम है, बाकी डिस्प्ले साइज में थोड़ा सा बड़ा निकल जाता है Redmi का Note 9 Pro। ये दोस्तों थोड़ी सी साइज बड़ी है। बाकी अगर बात करें दोनों ही फोन्स के बैक को लेकर, तो Realme 6 के अंदर जैसा कि मैंने बोला कि पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है और वहां पर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलता है, बट Redmi Note 9 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो उससे ज्यादा ऑसम है, Realme 6 से ज्यादा ऑसम है, और बिल्ड क्वालिटी हार्ड है कहीं ना कहीं बोले, मतलब यहां पर आपको टोटली ग्लास बैक मिलता है जो कि लुक वाइज और हार्डनेस वाइज बहुत ही कमाल का हो जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। सो ऑब्वियसली जो बिल्ड क्वालिटी है, जो ओवरऑल आपको हार्डनेस देखने को मिलेगी, वो Redmi के Note 9 Pro के अंदर आपको कमाल की देखने को मिल जाती है। बाकी गाइस Realme 6 और Redmi Note 9 Pro दोनों ही फोन्स के अंदर आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, पावर बटन के अंदर ही अलाइन होगा। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर कि गेमिंग के लिए आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए, सो जैसा कि मैंने बताया कि Realme 6 के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G90T, जो कि 12nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड एक प्रोसेसर है। सो वहीं पर Redmi के Note 9 Pro के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 720G, जो कि 8nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अगर आप आर्किटेक्चर नहीं जानते तो बता दूं, जितना ज्यादा प्रोसेसर के अंदर आर्किटेक्चर कम होता है उतना वो प्रोसेसर पावर इफिशियंट होता है, आपके बैटरी को कम खाता है। भाई अगर बात करें डे टू डे यूजेस में, तो मैंने दोनों ही फोन्स को यूज किया है, दोनों ही चिपसेट को यूज किया है, मीडियाटेक हीलियो G90T और स्नैपड्रैगन 720G। सो गाइस यहां पर मैंने देखा कि Realme 6 के अंदर जो लगा हुआ मीडियाटेक हीलियो G90T है वो कहीं ना कहीं गेमिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप रियल लाइफ में इन दोनों ही फोन्स को यूज करोगे तो वहां पर गेमिंग के अंदर आपको ज्यादा अच्छा निकाल कर देने वाला है Realme 6। और गाइस ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, सो वो चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बाकी गाइस जो कुछ टेक्नोलॉजी है वो मैंने आपको बता दी कि एक प्रोसेसर आपको ज्यादा बैटरी कंजप्शन करने वाला है और दूसरा प्रोसेसर आपका थोड़ा सा कम बैटरी कंजप्शन करने वाला है। सो गाइस यहां पर आपने आई होप ये सारी चीजें समझ ली होंगी। बाकी गाइस अब हम बात करते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरा को लेकर, तो Redmi के Note 9 Pro के बैक साइड में आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है और Realme 6 के अंदर आपने देखा कि 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यार मैं मेगापिक्सल पे विश्वास नहीं करता हूं, और ओवरऑल जो रियल लाइफ में फोटोज आपके सामने होती है वही फोटो ये दिखाती है कि कौन सा फोन बेस्ट होगा। सो गाइस मैंने दोनों फोन को जितना यूज किया वहां पर मुझे Realme 6 के अंदर या फिर Redmi Note 9 Pro के कैमरा के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। डे टू डे यूज में जब भी आप इन दोनों ही फोन्स के कैमरा को यूज करोगे, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड हो या फिर वाइड एंगल शॉट्स हो, आपको नॉर्मल सी फोटोज बिल्कुल दोनों फोन के अंदर 19:20 का फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर बैक या फिर फ्रंट कैमरे की बात हो तो दोनों फोन के अंदर आपको इक्वल कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन गाइस अब हम बात करते हैं बैटरी को लेकर, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, तो Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको मिलता है 5020 mAh यानी 5020 mAh की एक लंबी बैटरी, जो कि Realme 6 से ज्यादा है। जी हां दोस्तों ज्यादा है, बट यहां पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है और Realme 6 के अंदर आपको मिलती है 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपको ज्यादा बैटरी चाहिए तो भाई आपको लंबे टाइम तक फोन को चार्ज में लगा के रखना होगा। और गाइस Realme 6 के अंदर आपको कम बैटरी मिलती है तो यहां पर आपका फोन जल्दी चार्ज होने वाला है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि भाई आपको क्या करना है, मतलब आपको अपने फोन को जल्दी से चार्ज कर लेना है या फिर आपको लंबे टाइम तक फोन को यूज करते रहना है धीरे धीरे चार्ज करके। सो ये चीज आपको चूज करना है, आप बताओ आप किस फोन की तरफ जाते हो। लेकिन गाइस अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन को लेकर, इन दोनों ही फोन में से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए, सो सबसे पहले अगर आपको एक नॉन चाइनीज फोन बाय करना है तो आप आंख बंद करके सैमसंग गैलेक्सी M21 को
को बाई कर लो, 15,000 के नीचे बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है। बट अगर बात करें गाइस Realme 6 और Redmi Note 9 Pro को लेकर, सो कैमरा वाइज इन दोनों ही में से कोई सा भी फोन्स बाई कर सकते हो अपने ब्रांड के हिसाब से और अपने प्राइस के हिसाब से। बाकी गाइस अगर हम बात करें डिस्प्ले को लेकर या फिर गेमिंग को लेकर, सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक गेमर हो तो भाई मीडियाटेक हीलियो G90T के अंदर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। और Realme 6 के अंदर मीडियाटेक हीलियो G90T के साथ में एक 90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है जो कि आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस को और ज्यादा स्मूथ कर देगी और गेमिंग के दौरान आपको थोड़ा और स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है Redmi Note 9 Pro के अकॉर्डिंग में। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक गेमर हो तो भाई आपको आंख बंद करके Realme 6 को चूज करना चाहिए। लेकिन भाई Redmi Note 9 Pro को चूज करने के पीछे भी कुछ कारण है, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, मतलब अगर आपको लुक अच्छा चाहिए फोन का और ज्यादा ग्लॉसी पैनल चाहिए, उसी के साथ आपको एक लंबी बैटरी चाहिए और अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है तो आप आराम से इस फोन को बाय कर सकते हो। लेकिन Realme 6 को लेने के पीछे कई कारण है, जैसे कि इसके प्रोसेसर, 90Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले, ओवरऑल बैटरी भी आपको अच्छी मिलती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है। सो फाइनली मेरा डिसीजन यही है Realme 6। बाकी सारे ही फोन्स बेस्ट होते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से आपको एक फोन बाय करना चाहिए। सो गाइस बस यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आपने कौन सा फोन चूज किया है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो, हेल्पफुल वीडियोस लगी और अगर आपको कंटेंट में दम लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में जब भी लाएं तो आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते एक नए और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।